ना करने के लिए अपोजिशन कर रहे हैं। उसने एक न्यूज़ चैनल का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो हम उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उसने हमारे भारत की बेइज्जती की है, अरब ममालिक के अंदर हमारे भारत की शान को बट्टा लगाया। आप ये देखिए कि संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई भारत की बेइज्जती करे या किसी भी मजहब के किसी भी गुरु या पैगंबर के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करे तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो अभी तक 20 दिन हो गए, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो संविधान के दायरे में रहते हुए हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और हम तो आगे और उसको फांसी देने की मांग करते हैं कि ताकि एक सबक मिले कि कोई भी चैनल के थ्रू या कोई भी बीजेपी या किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह की कोई भी धर्म के खिलाफ या मजहब के गुरु के खिलाफ या पैगंबर के खिलाफ कोई भी कमेंट ना करें। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी का एक अल्फाज भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के ऊपर कंटिन्यूस मुसलसल जुल्म किए जाते रहे, मुसलमान फिर भी चुप है और आज तक मुसलमान चुप ही बैठा हुआ है। किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन आज तक नहीं किया गया। आप देख लीजिए, कोई भी चाहे मस्जिद हो, चाहे तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे पाकिस्तान हो, कई तरीके के हमारे ऊपर जुल्म मुसलसल किए जाते रहे हैं बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के द्वारा, लेकिन हम लोग फिर भी बर्दाश्त किए हुए। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इनके इन कारनामों से हम लोग हिंदुस्तान छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज 8 सालों से लगातार हम लोग बर्दाश्त किए हुए बैठे हैं, लेकिन जब हमारे नबी पाक तक पहुँच गई, वहाँ तक पहुँच गए, तो आज मुसलमान प्रदर्शन भी कर रहा है। आप ये देखिए कि किसी भी हालत में हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी का एक अल्फाज हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आज हम उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उसका समर्थन करने वाले नवीन जिंदल को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।